अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख। और भैया आप लोग ना बड़े दिनों से मतलब मुझे परेशान किए हुए थे कि कॉर्वस रोम का रिव्यू कहाँ है, किधर है कॉर्वस रोम पोको F1 के लिए। तो मैं पिछले 10 दिनों से इस रोम को डाला हुआ हूँ पोको F1 में और इसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कैसा रोम है। लेकिन सच बात अगर मैं आपको बताऊं दिल से गाइस, तो मैं इस रोम को रिव्यू करने लायक हूं ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि गाइस मैं पबजी एडिक्ट हूं और मैं पोको F1 में कोई भी रोम डालता हूं ना, तो उसके बाद मुझे चेक करना चाहिए कि हर एस्पेक्ट में वो रोम कैसा है। बट गाइस मैं पबजी डाउनलोड करके सिर्फ और सिर्फ पबजी खेलने में लग जाता हूँ कि वो रोम पबजी के लिए कैसा है। इसलिए जितने भी रोम है गाइस पोको F1 के लिए, मोस्ट रोम्स में मैंने अच्छे से पबजी खेला है कई दिनों तक, इसलिए मुझे आइडिया है कि जो कॉर्वस रोम है वो पबजी के लिए कैसा है। तो ये जो वीडियो है गाइस बेसिकली आपको बताएगा गेमिंग रिव्यू, पबजी रिव्यू या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए पबजी कैसा चलता है, इस तरह का रिव्यू जो है आपको बताएगा। इस वीडियो से आपको कहीं भी पता नहीं चलेगा कि कॉर्वस रोम जो है डे टू डे यूजर्स के लिए कैसा है, बिकॉज गाइज मैंने उस एस्पेक्ट पे ध्यान ही नहीं दिया। अगर आपको ये रोम फ्लैश करना है तो मैं उनको ही, या फिर अगर आपको कोई भी कस्टम रोम फ्लैश करना है पोको F1 में, मैं उनको ही सजेस्ट करूंगा जो गेमिंग के लिए करना चाहते हैं। बाकी जो लोग डे टू डे यूजर्स करना चाहते हैं और हल्की फुल्की गेमिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भाई MIUI ही बेस्ट है। सो गेमर्स, गो अहेड एंड वॉच दिस वीडियो। सबसे पहली चीज गाइस, कॉर्वस रोम, इसका नाम मुझे समझ में नहीं आता यार कि डेवलपर ने कहां से उठाया। कॉर का मतलब कोरोना और वस का मतलब वायरस हो सकता है, मे बी वहां से उनको आइडिया मिला होगा, तो कोरोना वायरस के टाइम में इन्होंने कॉर्वस रोम निकाल दिया। काफी बेहतरीन और लाजवाब रोम है गाइस। एक बार मुझे इसे फ्लैश करना पड़ा, उसके बाद ज्यादा कुछ टेंशन नहीं हुआ, रोम बूट किया और बूट करने के बाद गाइस बिल्कुल फास्ट एंड फ्लूइड मिलता है ये रोम। सबसे अच्छी बात क्या है ना गाइस कि इसमें ब्लोटवेयर्स बिल्कुल भी नहीं है। ब्लोटवेयर्स कहने का मतलब ये है कि जो गूगल के पिक्सेल डिवाइसेस में ब्लोटवेयर्स होते हैं गूगल के एप्लीकेशंस के नाम पे, वो भी आपको इसमें नहीं मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो भैया गूगल का गैलरी गो, यानी कि गो वेरिएंट, यानी कि कम स्पेस वाला वेरिएंट, जिसकी वजह से कई सारी प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी अगर आप डे टू डे यूजेस में करना चाहते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हल्का रोम हो जाता है इन सभी ऑप्टिमाइजेशंस की वजह से। मतलब काफ़ी सारे ऑप्टिमाइजेशंस किए गए हैं, काफ़ी सारे फीचर्स को रिमूव किए गए, लेकिन ओवरऑल बहुत सारे फीचर्स मौजूद है जो आपको एक गेमिंग रोम में चाहिए। जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डर मौजूद है, आप कर सकते हैं, आपको फ्रेम रेट व्यूअर मौजूद है, आप फ्रेम से FPS जो है देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मौजूद है। स्क्रीन रिकॉर्डर में आपको बिट रेट कॉपी ऑप्शन मिल जाता है, 10 Mbps से 20 Mbps, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। लेकिन भैया ये रोम बैटरी में कैसा है, तो मैं आपको बता दूं बैटरी में बिल्कुल अच्छा नहीं है। सिंपल वर्ड में, आपको गेम खेलना है तो गेम से मतलब रखो, अगर आप बैटरी से मतलब रखोगे तो फिर MIUI पे चले जाओ यार, बिकॉज ये जो कॉर्वस रोम है ये गेमिंग के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। इसलिए अगर आप इसमें गेम खेलेंगे तो काफ़ी कम बैटरी, यानी कि 1.5 घंटे से 2 घंटे ही बैटरी चलेगी, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस लाजवाब मिलेगी, जिसके बारे में हम लोग जो है अभी कुछ देर में बात करेंगे। कैमरा कैसा है, तो गाइस कैमरा इसमें MIUI का कैमरा ही पोर्ट करके डाल दिया गया, जो कि होता है ANX कैमरा, और उसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी और रोम में 4K 60fps नहीं मिलता है, पर इसमें आपको 4K 60fps भी मिल जाता है। लेकिन साथ ही साथ आपको व्लॉग मोड मिल जाता है, कैलिडोस्कोप मोड मिल जाता है, तो हर चीज यहाँ पे उन्होंने जो है इस रोम में प्रोवाइड करने की कोशिश किया है। तो फीचर रिच है गाइस रोम, और आप काफी सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। बात कर लेते हैं गाइस गेमिंग को लेकर के, तो ये गेमिंग कैसा परफॉर्म करता है, तो भैया गेमिंग में लाजवाब परफॉर्म करता है, और इससे बेहतरीन रोम मैंने गेमिंग के लिए कोई और देखा नहीं। मैंने कहा ना, मैं गेमिंग में बहुत सारे रोम ट्राई किया हूँ पबजी में, पर पर कॉर्वस जैसा रोम मैंने जो है कोई देखा नहीं। और काफ़ी सारे लोगों का सजेशन ये था कि कॉर्वस रोम में आप लॉरन कर्नल डालो और फिर खेल करके देखो। मैंने लॉरन कर्नल नहीं डाला गाइज, उस कर्नल को इसलिए मैंने नहीं डाला बिकॉज मुझे देखना था कि ये बेस कैसा है, बिकॉज कर्नल डालो फिर रूट करो फिर उस कर्नल को मैनेज करो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता। मैंने सोचा सिंपल वर्ड में बिना किसी कस्टम कर्नल की रोम कैसा है। और गाइज मैं कहूँ, अगर आप गेमिंग करना चाहते हो बिना किसी कस्टम कर्नल के भी इसमें गेमिंग कर सकते हो। मे बी ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे लॉरन कर्नल डालने के बाद आपको और भी ज़्यादा इन्हांस गेमिंग मिले, फ्रेम रेट्स और भी ज़्यादा अच्छे मिले, बट ऑलरेडी बिना किसी कस्टम कर्नल को डाले इस रोम में मुझे जो भी फ्रेम रेट मिल रहा है वो बाकी सभी कस्टम रोम से ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। ऑक्सीजन OS मैंने डाला था, जिसमें मैंने कहा था बहुत अच्छा पबजी चलता है, उससे भी ज़्यादा अच्छा पबजी मुझे इसमें मिल रहा है। बिकॉज गाइस मैं सैनॉक में बूट कैंप में कूद जाऊँ, जहाँ पे 40-50 बंदे एक साथ कूद रहे हैं, वहाँ भी ये जो है बिल्कुल भी लैग होने का नाम नहीं लेता है। और गाइस बैटरी, जी हाँ कम है। हीटिंग, जी हाँ होती है, गर्मी का मौसम आ गया है,
बट ओवरहीट कभी भी नहीं होती है। तो चलिए चलते हैं हमारे गेम प्ले में और देखते हैं कि किस तरह का परफॉर्मेंस दिया। और मैंने जो गेम प्ले टेस्ट किया गाइज, वो मैंने 40% के जब नीचे बैटरी चला गया तब मैंने टेस्ट किया, वो भी स्क्रीन रिकॉर्ड करते हुए। और शायद आपको यकीन नहीं होगा कि ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो पोको F1 से किया गया है। इतना क्लियर, इतना साफ और फ्रेम रेट इतना अच्छा। लेट्स चेक आउट। सो मैंने ट्राई किया TDM मैच, जब मेरा बैटरी परसेंटेज 20% के भी नीचे था, मुझे चेक करना था कि फ्रेम ड्रॉप होता है या नहीं। एम असिस्ट को मैं हमेशा ऑफ कर देता हूँ ताकि गाइस मेरा जो एम है वो ऑटोमेटिकली मुड़े नहीं लो बीपी वाले बंदे की तरफ। जी हाँ गाइस, जब भी आप खेलते हैं एम असिस्ट ऑन रहता है तो जिस बंदे की हेल्थ कम होती है उसके तरफ आपका ADS ऑटोमेटिक मुड़ने लगता है, जिससे आपकी एमिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर मेरे पास बैटरी का नोटिफिकेशन आ गया कि 15% हो चुका है, जिसके वजह से मैं मर गया गाइस। तो 15% बैटरी से मैं ये TDM मैच स्टार्ट किया और आप देख सकते हैं कि जो फ्रेम रेट मिल रही है वो कॉन्स्टेंट आपको 60 FPS की मिल रही है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मैंने फ्रेम रेट लगा दिया है। वैसे मेरी गेम प्ले इतनी भी अच्छी नहीं है, मैं कोई प्रो नहीं हूँ, पर ये जो गेम प्ले आप देख रहे हैं वो पूरी की पूरी मेरी गेम प्ले है। इस चीज़ पे आप गौर करेंगे, यहाँ पे जब मैं ADS खोल के घुमा रहा था बिल्कुल भी ज़रा सा भी यहाँ पे जो है लैग नहीं हुआ, जहाँ पे हो जाता है अगर मैं किसी और रोल पे जैसे कमाल कर दिया मैंने। ये मर गया। क्या आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है? अगर मैं कॉर्वस रोम में ये गेम खेल रहा हूँ और वो भी 15% के नीचे, तो भी FPS आपको जो है ड्रॉप होता हुआ नहीं देख रहा। और सबसे ख़ास बात क्या आपको पता कि मैं 10 Mbps की बिटरेट से इसे स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, यानी कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करते हुए गेम खेल रहा हूँ तब मेरी जो परफॉर्मेंस है वो कुछ ऐसी है। जी हाँ, हाँ डिवाइस हीट हो रहा था इसमें कोई शक नहीं, बट परफॉर्मेंस इज़ द बेस्ट थिंग जो यहाँ मुझे मिली। मेरा पिंग अटक जा रहा हूँ इनके सामने। ओ भाई P90 कितना टाइम लगा था रिलोड में यार। रिलोड में मरते हो। राइट उनके फोन का डैमेज कम है वैसे भाई। तो ब्लू टीम विक्ट्री एंड फाइनली गाइस हम ये मैच जीत गए। और इसमें सबसे ज्यादा किल मैंने ही किया, 16 किल्स, 8 बार मर गए। तो मजा आ गया यार।
एंड बैटरी जो है लगभग 11% के आसपास बची हुई थी। सो आखिर वर्डिक्ट क्या है? तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको कोई ऐसा रोम चाहिए जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करे, उसके लिए आप ये कॉर्वस रोम फ्लैश कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मेरी बैटरी 10% है, इसलिए जो फ्रेम रेट है जो मुझे मिल रहा है गाइस, वो 30 के नीचे मिल रहा है या फिर 40 के नीचे मिल रहा है। तो जी हाँ, बाकी का जो 90% है उसमें बहुत अच्छा चलता है बिना किसी लैग के, लेकिन गाइस लास्ट का जो 10% है उसमें ये फ्रेम ड्रॉप होता है। हालांकि होना भी चाहिए ताकि आपको पता चले कि फ्रेम ड्रॉप हो रहा है तो भैया मतलब बैटरी कम है, क्योंकि 10% से नीचे खेलना भी सही नहीं। यहाँ पे मैंने क्या किया, पावर बैंक से अपने डिवाइस को कनेक्ट कर दिया, देख सकते हैं चार्जिंग हो रहा है। और 10% से जैसे ही चार्ज होना स्टार्ट हुआ तो भैया इसका जो फ्रेम रेट है वो वापस से 60 पे चला गया और उसके बाद बिल्कुल स्मूथ परफॉर्म करने लगा। तो जी हाँ, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्डिक्ट क्या है। गाइस वर्डिक्ट ये है ना कि ये रोम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है गेमर्स के लिए। तो अगर आपको कम्पिटिटिव खेलना है या फिर सिर्फ और सिर्फ पबजी खेलते रहना है, या फिर आपको पबजी का स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, या फिर आपको लाइव स्ट्रीम करना है, उन सब मामलों में ये वन ऑफ द बेस्ट कस्टम रोम है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एक गेमिंग रोम में होना चाहिए। लेकिन गाइस अगर आपको डे टू डे यूजर्स करना है ना, तो MIUI में आपको ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि इसमें आपको नहीं मिलेंगे। MIUI में आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्टिविटी के टूल्स मिलते हैं जो कि इसमें आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं कहूँगा जिनको डे टू डे यूजर्स करना है, जिनको थोड़ा बहुत लाइट गेमिंग करना है, उनको तो MIUI पे ही रहना चाहिए। बट जिनको गेमिंग से मतलब है, कॉम्पिटिटिव से मतलब है, अच्छा परफॉर्म करने से मतलब है, कंसिस्टेंट फ्रेम रेट से मतलब है गाइस, जिनको मतलब है अच्छे गेम प्ले से, जिनको मतलब है गाइस स्मूथ पबजी से, जिनको मतलब है गाइस ज़्यादा से ज़्यादा किल करने से, तो भैया उनके लिए ये कॉर्वस रोम है। और सच में ये ऑक्सीजन नॉइस से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और आपको कर्नल भी डालने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि डालेंगे तो शायद और भी अच्छा करें, मैंने टेस्ट नहीं किया है। लॉरन कर्नल के बारे में कई सारे लोग कह रहे हैं, बट सच में ये बिना कर्नल के भी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि मैं कोरोना वायरस सॉरी यार कॉर्वस रोम के बारे में क्या कहना चाहता हूँ। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिस लाइक कमेंट कीजिए। मैं रोजाना आप लोग ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखकर जाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद। Blue Team Victory!